अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि वेट लूज़ और बादीपन जिस्म का, और सुस्ती कहली, और जिस्म में दर्द और मोटापा। ख़ास तौर पे ये जो है, जो पूरे वजूद के अंदर जो वेंस होती हैं इसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, उनकी ब्लॉकेज, हार्ट की वेंस की सर्कुलेशन जो होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, उनकी ब्लॉकेज के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, उनकी ब्लॉकेज को खोलता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट को बेहतर करता है। तो जी मेरे को बताइए क्या क्या चाहिए होता है इसमें। इसमें आपको चाहिए देसी अदरक, देसी लहसुन, देसी लीमू, देसी लहसुन और देसी लीमू भी देसी चाहिए, देसी चाहिए। और ये हम लोगों ने सज्जाद जानी से शहद मंगवाया है जो कि छोटी मक्खी का है, और ये मतलब ओरिजिनल शहद है, ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। और बल्कि दिखाओ जरा, ये देखिए सज्जाद जानी, बल्कि मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा तमाम लोगों को जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें ऑर्डर नंबर, ये सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, आप यहाँ से शहद मंगवा सकते हैं ओरिजिनल, यहाँ से सुरख मिर्च मंगवा सकते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ये सिल्का है, एप्पल विंगर है, ठीक है, ठीक है जी। और इन तमाम चीज़ों के मतलब हमने निकालना है इसका रस, ठीक है, इसका भी रस, इसका भी रस, इसका भी रस। अच्छा, इसका एक तरीकेकार ये है, अगर आपने क्वांटिटी एक ग्लास की ली है ये वाली, या आपने कप रखा है, तो ये तमाम चीज़ों की जो है आप मेजरमेंट इसकी ही रखेंगे, मतलब अदरक भी एक ग्लास, ये इसका भी रस एक ग्लास, नींबू भी एक ग्लास, शहद दो कप, शहद आपने दो कप डालना है, एप्पल विंगर एक ग्लास, ठीक है। अब हम थोड़ी देर बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, पहले हम चीज़ों का रस निकाल लें, थोड़ा सा दिखा देते हैं ना इसको, रस निकाल रस निकाल देते हैं, चलो फिर आप निकाल लें, थोड़ी मेहनत करें, चले नाजरीन मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करें इसके, आप रस निकाल के उनको दिखाएं किस तरह से रस निकालने, इसके लिए मशीन कैसी चाहिए होती है, ये ऐसी मशीन होती है, वैसे भी नॉर्मल, वैसे अच्छी मशीनें भी आई हुई हैं बहुत सारी, ग्राइंडर से निकाल लें जिस तरीके से चाहें, इसका रस रस चाहिए इसका, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपने ये पहले भी इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छी, हाँ ये मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, हम बिल्कुल, ये हार्ट से मुतालिक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अच्छा ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसको करने के बाद हम इसको पकाएंगे, ये जिस तरीके से मतलब ये चार चीज़ों को हम पकाएंगे शहद के अलावा, ठीक है, इन चार चीज़ों को पकाने के बाद हमने जैसे ये चार चीज़ों को तीन ग्लास करना है, चार ग्लास को तीन ग्लास में पकाना, ठीक है। जब पका लेंगे उसके बाद हम किस तरीके से शहद को मिलाएंगे वो हम आपको, ये नाजरीन मैंने ऑर्डर किया था ये सज्जाद जानी का, और पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं, हाँ पहले भी मैं इनका इनके शैम्पू बहुत अच्छे होते हैं, इनके शहद बहुत अच्छा, अच्छा इनकी हर चीज़ ओरिजिनल ही है, 100% ओरिजिनल है, मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमको पब्लिसिटी नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है, ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल चीज़ कहाँ मिलेगी, मतलब आप कोई मतलब मेडिसिन बना रहे हो तो फिर आप ओरिजिनल बनाए, चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ जब तक, और आप इसको निकाल कर दिखाएं। अच्छा जी, पहले क्या डालना है, पहले लहसुन का बना लें, हाँ लहसुन ले लें, असलम दोस्तों, मेरा नाम सज्जाद सरदार है, मैंने शुरू में नाम ही बताया था, अब बता रहा हूँ, ये लहसुन है, हम इसको इसमें डालेंगे, कोई बात नहीं, वो छिलका अलग हो जाएगा फिर भी, वो तो हो तो जाएगा, वैसे तो ये छिलका खुद ही अलग कर देते, लेकिन मैंने फिर मशीन कर देती है, छिलके अलग कर देती है, सर थोड़ा थोड़ा डाले, थोड़ा थोड़ा, चलो भैया आप मेहनत करें, अरे इसका ग्लास है ना, का ग्लास, ये नीचे देखें अर्थ निकल रहा है और ये इसका गुदा निकल रहा है,
थोड़ी सी मेहनत है लेकिन फायदेमंद, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सुबह निहार मुँह आपने एक चम्मच दो चम्मच लेना है। और ये जो बाद में लहसुन बच जाएगा ये आपके काम आ जाएगा। अब हमने इसका अर्थ निकाल लिया, सबका रस निकाल लिया। ये एप्पल विंगर, ये एप्पल विंगर का खालिस है, ठीक है। ये अदरक का रस है, इसमें जरा से भी पानी की मिलावट नहीं है। ये आधा किलो अदरक का रस है, आधा किलो अदरक का रस है। हाँ, जो इतना सा कप निकला आपके लिए, ठीक है। ये जो हम जिसे हम चाय पीते ना, ये वो वाला कप है, छोटा वाला चौथा हमारा, ठीक है। ये आ गया आपका लहसुन का अर्थ, और ये आ गया आपका नींबू का, लेमन का अर्थ। अच्छा, इन सब की क्वांटिटी देखना, ये क्वांटिटी ऐसे ही होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इसमें बिल्कुल सेम क्वांटिटी, जब हम शहद की मिलावट करेंगे तब हम आपको बताएंगे शहद हाँ तब हम आपको बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में शहद भी मिलेगा इसके अंदर। अब कब मिलाना है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। मीडियम फ्लेम रखना है, ठीक है। इतनी ही हल्की आँच में, ताकि ये पकना किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप डाल दें इसमें अदरक का रस, जो भी आप पहले डालना चाहें आपने अदरक का रस डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ है वो भी इसके ये में मिक्स हो जाना भी क्या अदरक है? ये अदरक का रस है। अब लहसुन फिलहाल है, चम्मच मार दो, कुछ भी नहीं है लहसुन। चलो चार कप को आपने तीन कप में करना है, ठीक है। मतलब एक कप इसको उबाल देना है, हाँ, मतलब पक जाए। कप को पकाना है कि इसमें ये तीन कप में हो जाए। अब आपने इसको पकने देना है, फिर ये पक जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसके बाद क्या करना है। अच्छा, जो इसका हमने जो निकाला है अर्क वो देखिए इसके अंदर लहसुन क्या कहते हैं इसको, ये सब कुछ इसमें है, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो अर्थ निकाला है, बाकी जो है ना ये क्या कहते हैं, हाँ, छिलके निकालने मैंने निकाल लिया। इसमें अदरक का भी वो है, क्या कहते हैं, लहसुन भी है, छिलका समेत भी है। आप इसका भी पेस्ट बना के रखना, आपके काम आ जाएगा, ये वेस्ट नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए देखें, ये सूख गए, ठीक है, कम हो गया, एक कप कम हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी, ठीक है, बाउल में निकाल के इसको मैं इसको रखूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसके अंदर शहद मिलेगा, शहद ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ताकि ये ठंडा हो, तो फिर हम इसमें शहद मिलेगा। ओके, सही है। अच्छा, हमने इसी कप से बनाया ना सारा कुछ, ये वाले कप पे ही सारा कुछ लिया चावल, ठीक है, अदरक लहसुन विंगर सब कुछ। अब इसके हमने दो कप शहद, देखो कप शहद डालना है। ये वही शहद है जो हमने सज्जाद जैनी से मंगवाया है। और ये आपने दो कप शहद, ठीक है, इसके मिक्स करते रहना इसको। देखिए कलर
कलर चेंज हो रहा है जब ये मिक्स हो रहा है। सब चीज़ें एक कप, चम्मच का मुंह घुमा ले, सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन शहद जो है वो दो कप है, सब एक कप है बाकी शहद दो कप। हो गया। हाँ, ये अब आप इसको किसी भी जार में स्टोर कर लें, जब सुबह नहाने के किस जार में? अब हम इसको जार में करते हैं स्टोर। अच्छा ये है कि जिसके पास जिस किस्म भी जैसा भी जा रहा है, बड़ा जा रहा हो तो चौड़ा जा रहा हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं तो उसमें इसमें डालना है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको जब भी इस्तेमाल करना है मिक्स करके मतलब हिला के, क्योंकि ये शहद ऊपर आ जाता है। चलें हम ज़रा डालने इसके अंदर, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी डाल दिया, ठीक है। अगर चौड़ा जार होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास चौड़ा जार इस वक्त अवेलेबल नहीं था। सुबह इंशाल्लाह चौड़ा जार लेके आएंगे, उसमें डाल के चले जी। अब इसको हम फ्रीज कर देंगे, फ्रिज में रखेंगे, बाहर रखें, खराब नहीं होगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बंद नसों को खोलती है, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इस्तेमाल कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।